हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ब्रो का चैनल ब्लॉगर सत्यम गुप्ता। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला रॉयल एनफील्ड की तरफ से दो बाइक्स के ऊपर। तो जो पहली बाइक रहने वाली है फ्रेंड्स, वो रहने वाला रॉयल एनफील्ड मेटियोर 350 और जो दूसरी बाइक रहने वाली है वो रहने वाली है रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड 350X बेसिक्स मॉडल। तो फ्रेंड्स, आप लोग का भी काफ़ी सारा कमेंट्स आ रहा था कि रॉयल एनफील्ड की जो मेटियोर है उसके ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए। तो फाइनली आज मैं एक वीडियो लेकर आ गया हूँ। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि थंडरबर्ड 350X आपको बेसिक्स मॉडल में देखने को मिलेगी या नहीं, और फ्रेंड्स क्या स्पेसिफिकेशंस रहने वाला है बाइक्स का। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और बाइक अपडेट्स मिस ना हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, अब भी काफ़ी सारा एक र्यूमर्स चल रहा है रॉयल एनफील्ड मेटियोर को लेकर। तो फ्रेंड्स, ये बाइक भी फ्रेंड्स जैसे कि आप जानते हैं अप्रैल में ही लॉन्च होने वाली थी 2020 में, बट ड्यू टू ऑफ कोरोना वायरस फ्रेंड्स ये बाइक लॉन्च नहीं हो पाई। और अभी मेजर जितनी भी कंपनी है वो अपनी बाइक्स को लॉन्च नहीं कर पाई ड्यू टू ऑफ ये कोरोना वायरस के कारण। तो ये बाइक भी फ्रेंड्स आप ऐसे ही मतलब लॉकडाउन खत्म होता है उसके बाद ये आपको मार्केट्स में देखने को मिल जाएंगी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड का क्या होगा। तो फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको मेटियोर के बारे में बताना चाहता हूँ कि क्या आपको उसके स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलेगा, और फ्रेंड्स वीडियो के एंड में मैं आपको थंडरबर्ड के बारे में भी बता दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं मेटियोर के बारे में। तो फ्रेंड्स, मेटियोर में जो है वो आपको फुल्ली एलईडी लाइट्स देखने को मिल जाएंगी। तो बात करते हैं फ्रेंड्स इसके सस्पेंशन की, तो इसमें आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक्स देखने को मिल जाएंगे 41mm के। फ्रेंड्स बात करते हैं इसके टायर्स की, तो इसमें आपको ट्यूबलेस टायर्स देखने को मिल जाएंगे विद एलॉय व्हील्स। और फ्रेंड्स, इसका जो लुक है वो आपको सेम थंडरबर्ड वाला ही लुक देखने को मिल जाएगा। इसके जो इंडिकेटर्स के डिज़ाइन वगैरह जो भी है वो आपको सब सेम थंडरबर्ड के ही जैसे देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं फ्रेंड्स इसके हैंडल बार के बारे में, तो इसका जो हैंडल बार है वो आपको एक्सटेंडेड देखने को मिलेगा, मतलब थोड़ा सा हाइट जो है उसका वो राइज किया हुआ रहेगा ताकि जो उसका राइडिंग है वो आप भी आपको और भी कंफर्टेबल देखने को मिल जाए। बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक की फ्रेंड्स, तो इसमें आपको 20 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाएगा जो कि आपको सेम थंडरबर्ड में भी देखने को मिलता था। अब बात करना चाहेंगे फ्रेंड्स इसके कलर ऑप्शंस के बारे में कि कौन कौन सी कलर्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आपको चार कलर्स में देखने को मिल जाएंगी, रेड, व्हाइट, ब्लैक एंड येलो। ये चार कलर्स तो फ्रेंड्स कंफर्म है, ये चारों कलर्स में आपको देखने को मिल जाएंगी। बात करते हैं इसके इंजन के बारे में फ्रेंड्स, तो इसका इंजन जो है वो आपको 350cc का इंजन देखने को मिलेगा। SOHC अब आपको इसमें इंजन ऑफर करेगी कंपनी जो कि फ्यूल इंजेक्टेड रहने वाला है फ्रेंड्स, और इसमें आपको 6 गियर स्पीड बॉक्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि इसमें आपको किक ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, इस बाइक में किक को रिमूव कर दिया गया है। बात करते हैं फ्रेंड्स इसके इंजन के बारे में, तो इसका इंजन जो है वो अब आपको इसका जो चेन जो सेटअप है वो अब आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगा। पहले जो चेन सेटअप था रॉयल एनफील्ड की बाइक्स में वो आपको राइट साइड में देखने को मिलता था, बट अब जो इसका इंजन है वो SOHC हो गया, उसके कारण जो इसका इंजन का जो चेन का जो पोजीशन है उसे अब लेफ्ट साइड में वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये एक मेजर चेंज आपको इस बाइक में देखने को मिलेगा। बात करते हैं इसके वाइब्रेशंस की फ्रेंड्स, तो इसमें आपको वाइब्रेशंस एकदम मतलब ना के बराबर ही वाइब्रेशंस देखने को मिलेंगे क्योंकि इसमें जो इंजन है वो अब SOHC आपको देखने को मिलता है, तो वाइब्रेशंस काफ़ी रिड्यूस हो कर दिया गया है। अगर आप इसकी दूसरी रॉयल एनफील्ड बाइक्स को अगर इसे आप कंपेयर करते हैं तो इसमें आपको वाइब्रेशंस काफ़ी कम देखने को मिलेगा। बात करते हैं जो थंप का साउंड आपको क्लासिक या बुलेट्स में देखने को मिलता है वो साउंड आपको इस बाइक में देखने को नहीं मिलेगा। वो जो थंप है वो मतलब एकदम इसमें आपको ना के बराबर ही देखने को मिलेगा, तो इसका जो साउंड है वो आपको काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलने वाला है। बात करते हैं फ्रेंड्स इसकी ब्रेकिंग के बारे में, तो इसमें आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाएगा विद डुअल डिस्क ब्रेक्स। और बात करते हैं इसकी सीट हाइट की फ्रेंड्स, तो अगर आपका हाइट 5'3" या 5'4" तक भी है तो आप इजीली इस बाइक को राइड कर सकेंगे। अगर पहले से अगर कंपेयर करते हैं तो इसका जो सीट हाइट है उसे भी थोड़ा रिड्यूस कर दिया गया है, तो शॉर्ट राइडर्स के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहने वाला है फ्रेंड्स अब इंडियन मार्केट में। जैसे ही ये बाइक लॉन्च होती है मैं इसका एक मतलब एक परफेक्ट आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा, इसका राइड रिव्यू भी मैं आपको उसमें दिखा दूंगा, बैकग्राउंड वीडियो भी मैं आपको दिखा। फ्रेंड्स अब बात करना चाहेंगे इसके चेसिस के बारे में, तो इसका जो चेसिस है वो भी आपको डुअल क्रेडल चेसिस देखने को मिल जाएगा। जहाँ पे आपको थंडरबर्ड में आपको सिंगल चेसिस ही देखने को मिलता है, इसमें आपको डुअल क्रेडल चेसिस कंपनी ऑफर कर देगी। और फ्रेंड्स बात करते हैं इसका लुक का, तो इसका जो लुक है बैक से और फ्रंट से ये भी आपको एकदम मतलब मिलता जुलता ही देखने को मिल जाएगा थंडरबर्ड से। लुक्स में आपको ज़्यादा मेजर चेंज देखने को नहीं मिलेंगे। और फ्रेंड्स इसमें जो फीचर्स है वो आपको इसमें काफ़ी सारे न्यू फीचर्स कंपनी ऐड करके देगी। तो फ्रेंड्स अब बात करना चाहेंगे इसके प्राइसिंग के बारे में कि किस प्राइस रेंज में ये आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स इसका जो प्राइस है वो आपको 1,80,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स में देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे र्यूमर्स आ रहे हैं कि ये बाइक फ्रेंड्स आपको 170 तक में देखने को मिल जाएगी, बट फ्रेंड्स अगर आप अभी देखते हैं तो क्लासिक का ही जो प्राइस है वो 180 तक चला गया है, तो उससे तो कम इसका प्राइस नहीं रहने वाला है। तो इसका जो प्राइस है वो आपको कम से कम 180 तक ही देखने को मिलेगा।
तो फ्रेंड्स ये रहा इस बाइक के बारे में फुल डिटेल्स। अब बात करते हैं फ्रेंड्स रॉयल इनफील्ड थंडरबर्ड के बारे में। तो फ्रेंड्स थंडरबर्ड का अभी तक कोई अपडेट नहीं आया, बेसिक्स मॉडल में ये बाइक आएगी या नहीं आएगी उसका कुछ भी अभी तक कंफर्मेशन नहीं है और ना ही रॉयल इनफील्ड ने कुछ कंफर्म किया है। तो जैसे ही फ्रेंड्स उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है कि ये बाइक लॉन्च होगी या नहीं होगी, मैं उसके ऊपर एक वीडियो आपको बनाकर दे दूंगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और फ्रेंड्स आप अगर इससे सेटिस्फाई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और बाइक अपडेट्स मिस ना हो जाए। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको बाइक अपडेट्स अपने ब्रो के चैनल पर ही देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।